एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम के संस्थापक अलका शर्मा व उनके पति नीरज शर्मा ने अपनी सालगिरह पर कुठेड़ा गांव के गरीब परिवार को आशियाना बनाकर भेंट किया। गरीब परिवार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम के संस्थापक अलका शर्मा ने बताया कि गांव कुठेड़ा के सलमा बेगम के घर एक महीना पहले आए थे और हमने देखा कि सलमा बीबी का घर कभी भी गिर सकता था। सलमा बीबी को नया घर बनाने के लिए कहा था और आज सलमा बीबी को घर बनाकर भेंट कर दिया है। आज हम आए हैं कुठेड़ में, थोड़ा एक डेढ़ महीना पहले भी मैं यहाँ पे आई थी और आप सबने शायद न्यूज़ में देखा ही होगा। ये है सलमा बेगम जी, इनका घर पहले नहीं बना था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ये रह रहे थे, टूटा हुआ बिल्कुल घर था। तो मैंने इनको कमिट करा था कि घर बना के देंगे इन्हें, तो आज फाइनली भगवान जी की कृपा से ये घर बना है। और मैं तो प्रधान जी को भी यहाँ के धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी हमारी हेल्प करी है यहाँ के, मतलब इनको घर बनाने के देने के लिए, और आज कमिटमेंट करी है और पूरी करी है। सह संस्थापक नीरज शर्मा ने बताया कि सलमा बेगम का जो घर बनकर तैयार हुआ है उसके लिए पूर्व विधायक व CPS नीरज भारती ग्राम पंचायत और सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करता हूं जिनके सहयोग से ये कार्य हुआ है। सलमा बेगम को जो घर बनाने का वायदा किया था और आज पूरा किया है और शादी की सालगिरह के दिन ये घर सलमा बेगम को एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम व दानी सज्जनों की तरफ से गिफ्ट दिया है। नीरज शर्मा ने बताया कि सलमा बेगम के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, आगे से हमारी तरफ से जो भी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। आज सलमा बेगम का जो घर बन के तैयार हुआ है, इसमें सबसे पहले मैं जो धन्यवाद करना चाहता हूँ कुठेड़ पंचायत के प्रधान और पूरी पंचायत का, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इस नोबल कार्य के लिए आगे आए हैं और इस आज ये कार्य जो है एक एक्चुअल स्थिति में आया और एक घर बन के तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारी हेल्प करी है, और नीरज भारती जी का, जिन्होंने हमारे बहुत हेल्प करी है इस मैटर पर, और जितने भी मेरे दानी सज्जन हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी है हमारे एंजल दिव्यांग आश्रम को इस घर बनाने में, और जो हमने इनको वादा किया था तो वो वादा आज हमने पूरा किया है। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैरिज एनिवर्सरी के दिन हमने इनको सलमा बेगम को जी अपनी तरफ से एक और एनजीओ की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से एक हमने इसको एक गिफ्ट दिया है, और आशा करते हैं कि इनका अगला जो जीवन है बड़ा अच्छा रहेगा, और साथ ही हमने इनके जितने भी बच्चे हैं उनकी सभी की पढ़ाई का जिम्मा हमारे पास रेगुलर रहेगा, और आगे भी जो हम हमारे तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी हम इसकी हेल्प करेंगे। सलमा बेगम ने एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम के संस्थापक अलका शर्मा व उनके पति नीरज शर्मा का तहदिल से धन्यवाद किया और कहा कि आज उनकी वजह से हमें ये घर मिला है। सलमा बेगम ने कहा, अगर अलका शर्मा व नीरज शर्मा ना होते तो मेरा घर नहीं बन सकता था। धन्यवाद एंजल अनाथ आश्रम वालों का और नीरज शर्मा साथ में अलका शर्मा और आप सभी का, जिन्होंने मुझे मकान बना के दिया, साथ में हमारे प्रधान जी का जो सुशील शर्मा ने जो हमारी मदद की, जैसे कि हमारी जमीन नहीं थी उन्होंने यहाँ पर बनाने की अनुमति दी हमें, और साथ में जिन्होंने हमें दान किया और साथ में जो मकान बना कर दिया ज़्यादातर, मैं नीरज शर्मा और अलका शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जैसे अभी लोग ना होते तो मेरा शायद मकान नहीं बन सकता, इनकी वजह से आज मेरे बच्चे अच्छी जगह पर बैठ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।